रहमतुल्लाह बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, इंशाल्लाह आप लोग भी ठीक होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ शीर कौरमा। तो वहाँ पे हमारे पास जो जो सामान मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे हमारे पास है सिरौंजी 2 टेबल स्पून, 4 टेबल स्पून है काजू बादाम पिस्ता नारियल, इस तरह से हमने काट लिया है और इसको फ्राई कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास है 4-5 टेबल स्पून मखाना। यहाँ पर हमने लिया है बिल्कुल थोड़ा सा इलायची पाउडर है, ये है जो है रोज़ वाटर, आपके पास एसएस केवड़ा है तो वो भी 1-2 बूंद डाल सकती हैं। यहाँ हमने लिया है 60 ग्राम शक्कर और 1/2 कप सेवई है। यहाँ पे हमने जो है 1 लीटर है जिसे दूध रख दिया है पकने के लिए, इसमें उबाल आ जाएगा तो मैं शक्कर डालूँगी। 1 टेबल स्पून से ये 5 टेबल स्पून है, आपको ज़्यादा मीठा चाहिए तो 1 टेबल स्पून बढ़ा लीजिए, नहीं तो बहुत अच्छा मिठास रहता है इतने की, ठीक है। ये हमारे पास घी है तो इसको मैं बघार लगाने के लिए रखी हूँ, वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। यहाँ पे दूध में उबाल आ गया तो अब मैं इसमें शक्कर डाल दूँगी। यहाँ पे हमने शक्कर डाल के 6 से 7 मिनट तक पका लिया, अब इसमें मैं सेवई डाल देती हूँ। यहाँ पे देखिए हमने सेवई डाल दिया, अब इसको ढक्कन से गर्म कर दूँगी, बंद कर दूँगी। यहाँ पे हमने गैस को कर दिया बंद, ये देखिए बहुत अच्छे से हो गया है। तो हमने जो ड्राई फ्रूट लिए थे वो डाल दूंगी, ओके। अब इसमें मैं एक बघार लगाने जा रही हूँ और यहाँ पे डाल देती हूँ मैं इलायची पाउडर जो हमने निकाल के रखा था, बिल्कुल थोड़ा सा हमने डाला, 1/2 टीस्पून से कम। यहाँ पे हमने रख दिया फ्राई पैन और फ्राई पैन में हमने डाल दिया है देसी घी, ये देखिए 2 टेबल स्पून हमने डाला है, तब ये गर्म हो जाएगा। और इसी के साथ साथ मैं डाल रही हूँ केवड़ा वाटर, अरे नहीं रोज वाटर, सॉरी। यहाँ पे हमारा घी गर्म हो गया, इसमें डाल दूंगी चिरौंजी और पिस्ता, ये 2 चीज़ का मैं बघार लगा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए बघार हो गया है, अब मैं इसको सेवई में डाल देती हूँ। ये देखिए आप देख रही हैं ना बघार मेरा, ऊपर से बघार बहुत अच्छा लगता है, माशाल्लाह बहुत खुशबू आ रहा है। तो आप भी इसी तरह से शीर कौरमा बनाइए और गाँव में याद रखिएगा, शेयर कमेंट लाइक सब्सक्राइब कर दिया करें। अगर नए हैं मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर से ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और गाँव में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, सी यू।